मैं तो पहले मार ही दूंगी ऐसे तुरंत ही, ये नहीं कि तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा, मतलब उस टाइम हमें कुछ, हम लोग के देश में बहुत कानून है, लड़कियां सेफ हो सकती हैं अगर कानून के पास जाए तो। कुछ लड़कियां डर से छिप जाती हैं। अगर लड़कियों के ऊपर कमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लड़के भी इस चीज से प्रताड़ित हैं ना। लड़की हो घर में रहो ऐसा कुछ नहीं है, लड़की हो तो लड़की है तो जीना बंद कर दे, अब कोई ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कोई लड़की सुप्रखा ना बन जाए, बात ये है। सपोर्टिंग पेरेंट्स नहीं होंगे लड़कियां दब के मर जाएंगी। आज हम यहाँ पे एक नया सीरीज लेकर आए हैं एक अवेयरनेस के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां भी लड़कों को छेड़ देते हैं, कमेंट कर देती हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और एक ये वीडियो जो है एक अवेयरनेस के लिए है। कानून क्या कहता है, IPC का सेक्शन 354 क्या कहता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लड़कियों के पास जाएंगे, साथ में लड़कों के पास भी जाएंगे, उनसे भी बातें करेंगे और यहाँ पर एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे, अवेयर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही कोशिश करेंगे लड़कियों से रिएक्शन लेने का, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है, परेशान करता है और उस पर कमेंट करता है तो वो उनका क्या प्रक्रिया होगा और बाकी लड़कियों के लिए उनका क्या राय होना चाहिए। तो लड़की है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की बस स्टैंड पे या फिर स्कूल में या स्कूल के बाहर कहीं पर भी लड़के कुछ कमेंट करते हैं तो उन पर क्या, मतलब लड़कियों को क्या रिएक्ट करना चाहिए, सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। चूँकि हालांकि कानूनी जो प्रक्रिया है IPC का सेक्शन 354 के तहत बहुत सारी उसमें प्रक्रिया दिया गया है, सारी चीज़ें हैं तो उसके तहत तो वो कर सकती हैं, बाकी जो तुरंत जो रिएक्ट करती हैं वो क्या करना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए। मतलब एक उस सिचुएशन पे जो है वो तुरंत हाइपर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट तो इंसान को एक काम रह के थोड़ा सा अब मतलब आगे का क्या सोचना चाहिए, मतलब वो तुरंत ही ये नहीं कि तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा, मतलब उस टाइम हमें कुछ सोच समझ के ही बोलना चाहिए कुछ भी उनको। मैं तो पहले मार ही दूंगी ऐसे हमें थप्पड़ ही मारेंगे इतना लगता है हमें नहीं उसके बाद तो हाँ हर सिचुएशन का सोल्यूशन थप्पड़ नहीं होता है, पहले पैशन से काम लेना चाहिए। गॉड नोज मारे आप फिर वो कुछ और किया, कई वो लोग बहुत अजीब टाइप के होते हैं, वो कैसा हो सकता है ये तो अंदर से अब मतलब कर रहा है, अच्छा कोई इंसान कोई अच्छा रहेगा तो वो तो पहले कमेंट ही नहीं करेगा। लड़की है तो भाई जैसे तुम्हारी बहन है वैसे वो सामने वाला अंदर कुछ और हो उसके। आपने जो लाइन कही है कि जैसे तुम्हारी बहन वैसे सामने वाला, मतलब सामने वाली लड़की भी किसी की बहन होगी है ना। यस एक रामायण की एक लाइन है वो मुझे याद आ रहा है, रामायण में जब सुप्रखा जाती हैं श्री रामचंद्र जी के पास, आप सभी लोग सुनना, जब सुप्रखा जाती हैं श्री रामचंद्र जी के पास तो सुप्रखा श्री रामचंद्र से कहती हैं कि मैं से शादी कर लीजिए, मुझसे शादी करिए, प्रस्ताव रखती हैं। फिर राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं ना, हाँ। फिर लक्ष्मण राम जी के पास भेजते हैं। राम एक बात कहते हैं कि हम कवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सभी को माता या बहन समझते हैं। जी है जी तो मतलब कि हम उनकी शादी हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी हो गई है और हम अपनी को छोड़ के पूरे जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी लड़कियां हैं स्त्रियां हैं सभी को माता या बहन समझते हैं। हाँ। और अगर इस तरह का अगर हर एक व्यक्ति अपने अंदर डाल ले इस तरह की भावना श्री रामचंद्र जी का 1% भी अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से हर जगह पे लड़कियां सेफ रहेंगी, हो जाएंगी। हाँ सही नहीं, नहीं। राइट आपको क्या लगता है? हमें तो सही लगता है, मतलब जैसा उन्होंने सही है, बहुत सही है, सही है। अगर लड़के हाँ लड़कियों को चूंकि ऐसे कई बार होता है कि लड़के अलग अलग टाइप के होते हैं, कई लड़के तो ठीक है रिस्पेक्ट देते हैं, कई लड़के कमेंट कर देते हैं, हालांकि मैं लड़कियों के पास भी अभी आऊँगा क्योंकि लड़कों के ऊपर भी कमेंट होता रहता है, ठीक है, तो आप लोग बच नहीं सकती। होता है अब पहले जैसा जनरेशन नहीं रहा, लड़के का मतलब लड़के नहीं है इस जनरेशन में, कोई सेफ नहीं, 50-50 है। हाँ 50-50 है, मतलब अगर लड़कियों के ऊपर कमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लड़के भी इस चीज से प्रताड़ित हैं ना। हाँ मेरी जैसे आप फंसा रहे हो लोगों को। नहीं एक बात कह रहा था बस, देखिए
तो कहने का मतलब कि हर एक लड़का अगर ये मान ले, ये सोच ले, उसके अंदर अगर ये धारणा आ जाए श्री रामचंद्र जी का 1% या 2% भी आ जाए, तो वो मेरे ख्याल से सारी लड़कियां सेफ रहेंगी, है ना जी? यस। हाँ, लेकिन अब कोई ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कोई लड़की सुप्रखा ना बन जाए, बात ये है। ऐसे नहीं सोचते हैं। सब ऐसे, सब लड़के एक जैसे नहीं सोचते हैं। सब एक जैसे नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल। बात तो ये है ना, अगर कोई लड़की सुप्रखा जैसी निकल गई तो लड़कियों को भी सीता जी की तरह होना पड़ेगा फिर। बिल्कुल होना पड़ेगा जी। एक तरफ से काम नहीं होता, ताली दोनों हाथ से बजती है। ताली दोनों हाथ से बजती है ना, एक तरफ से नहीं होता। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। एक बात और, जो कानूनी प्रक्रिया है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, IPC का सेक्शन 354 के तहत उसमें कई पार्ट दिए गए हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है लड़कियों के लिए है। वहाँ पे कोई लड़की को परेशान करता है, छेड़ता है, और लड़का यहाँ तक कि एक बार प्रपोज करता है, दोबारा फिर प्रपोज करता है, तो वहाँ पे वो गलत हो जाता है ना, तो लड़की वहाँ पे वो इस्टेब्लिश सकती है। तो इस तरह के भी चीज़ें हैं, वो भी हर एक लड़कियों को उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, कानून का भी नॉलेज होना चाहिए। हम लोग के देश में बहुत कानून है, लड़कियां सेफ हो सकती हैं अगर कानून के पास जाए तो। कुछ लड़कियां डर से छिप जाती हैं, अपना गांव समाज चार लोग ये सब सोचती हैं, ये सब थॉट होता है उन लोग को। कुछ ऐसा उन लोग को दिया जाता है कि बाहर बाहर जाओ, लड़की हो घर में रहो, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की हो तो लड़की है तो जीना बंद कर दे, अपना कुछ पहनना ओढ़ना खाना पीना सब बंद कर दे। लड़की है तो क्या मतलब, हम लड़की हैं, खुल के जिएंगे। और हमारे अपने घर वाले दबा देते हैं कि लड़की हो चुप रहो, बात बढ़ेगी बेइज्जती होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स को होना चाहिए, सपोर्टिंग पेरेंट्स होंगे तो लड़कियां जी सकती हैं। सपोर्टिंग पेरेंट्स नहीं होंगे, लड़कियां दब के मर जाएंगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स। तो फाइनली बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग कहाँ के हैं वैसे, कहाँ के रहने वाले? बनारस के ही हैं। जी, आज मतलब न्यू ईयर अलग तरीके से मना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, थोड़ा फ्रेंड्स लोग के साथ एंजॉय करने में अच्छा लग रहा है। सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेम टू यू। थैंक यू सो मच।